नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज आपके पास में क्लास टेंथ जो चैप्टर है प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन, उसका आपका आज का टॉपिक होगा चिन्ह परिपाटी और लेंस से प्रतिबिंब का बनना। आज का जो आपका टॉपिक है चिन्ह परिपाटी और लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं बेटा अपने टॉपिक को। हमारे पास है बेटा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा बेटा हमने दर्पण से पढ़ा था, दर्पण से परावर्तन के बाद में प्रतिबिंब बनते हैं, ऐसी लेंसों से अपवर्तन के बाद में प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए दर्पण प्रकाश के परावर्तन द्वारा और वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। किसी वस्तु के लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे, निम्न नियम ध्यान में रखे जाते हैं। जो दर्पण होते हैं वो परावर्तन के बाद और लेंस अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला हमारे पास में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का पहला नियम हमारे पास है बेटा, पतले लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ, पतले लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। पतले लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं। ये बेटा आपके पास में उत्तल लेंस में और ये आपका अवतल लेंस में। ये हमारे पास में बेटा उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशित केंद्र सी, ये आपकी क्या ये बेटा, ये आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कौन सी बेटा? अपवर्तन के बाद ये जो आपके पास है ये कौन सी किरण है बेटा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये कौन सी बेटा? ये किरण है आपकी बेटा आपतित किरण। ठीक है बेटा, आने वाली किरण कौन सी बेटा? आपतित किरण। तो क्या कहता है ये बेटा, पतले लेंस के प्रकाशित केंद्र, पतले लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ये है बेटा आपका नियम नंबर एक। बेटा नियम नंबर दो, नियम नंबर दो, मुख्य अक्ष के समांतर, किसके बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस में से या तो होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अगर होकर जाती है तो लेंस उत्तल लेंस है, आती हुई प्रतीत होती है तो अवतल लेंस है। ठीक है बेटा, क्या बताया नियम नंबर दो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस कौन सा बेटा? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती, द्वितीय मुख्य फोकस से या तो होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अगर होकर जाती है तो उत्तल लेंस और आती हुई प्रतीत होती है तो बेटा अवतल लेंस। ये बेटा हमारे पास में उत्तल लेंस और ये हमारे पास में बेटा अवतल लेंस। ठीक है बेटा, ये आपका बेटा उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, क्या है बेटा नियम नंबर दो, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे बेटा हमारे पास में ये उत्तल लेंस है बेटा, ठीक है, ये आपके पास क्या है मुख्य अक्ष, प्रकाशित केंद्र ओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है। और जो बेटा हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास क्या बेटा अवतल लेंस। ठीक है बेटा, अवतल लेंस, ये इसकी क्या है बेटा मुख्य अक्ष, क्या है बेटा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य फोकस से, किससे बेटा द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, किससे बेटा द्वितीय फोकस से। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है F2। ठीक है बेटा, आती हुई प्रतीत होती है बेटा डैश डैश, क्या बेटा हम लगाएंगे डैश डैश। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डैश डैश। ठीक है बेटा, द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। बढ़ते बेटा नंबर तीन की तरफ, तीन नियम नंबर तीन हमारे पास क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसके समांतर हो जाती है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या हम कह सकते हैं बेटा लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, या मतलब प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो अवतल लेंस है बेटा। कैसा है? अवतल लेंस, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या बेटा?
लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर हम कह सकते हैं लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें किसमें, अवतल लेंस में, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है कैसे बेटा? ठीक है बेटा जी, ये है हमारा F1। ठीक है बेटा, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बेटा, और जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस, जो प्रथम फोकस उससे आती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस प्रथम फोकस से, प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है बेटा किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों के प्रतिबिंब का बनना, तो किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के विषय में हम किरण आरेखों की सहायता से भी अध्ययन कर सकते हैं। निश्चित आकार की किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करने के लिए इन अनंत किरणों में से सुविधा अनुसार कुछ प्रकाश किरणों का चयन कर लेते हैं, जिनके लेंस से अपवर्तन के बाद दिशाओं का निर्धारण सरल हो जाता है। हमारा टॉपिक बेटा इसके बाद है किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंस से प्रतिबिंब का बनना। और हमारा बेटा पहला पॉइंट जो इसके नियम है उसका पहला पॉइंट है बेटा, ये कहता है वस्तु से मुख्य अक्ष, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस F2 से गुजरती है, ध्यान देना बेटा, ये आपके पास क्या है उत्तल लेंस, ये क्या है बेटा मुख्य अक्ष, ये आपका प्रकाशित केंद्र O। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे बेटा ये हमारे पास में ये इसके समांतर आई तो किससे जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है। ये हमारे पास क्या है बेटा एफ टू, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। ठीक है बेटा, अगर अवतल लेंस की बात करें, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस F2 से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। उसी ओर जिस तरफ वस्तु है बेटा उसी ओर हमारे पास क्या है F2, उसी ओर क्या होती है बेटा अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। जैसा आप चित्र में देख सकते हो, ये बेटा हमारे पास में उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है। अवतल लेंस में क्या होता है बेटा, वस्तु की ओर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है बेटा, द्वितीय मुख्य फोकस से, कहां बेटा द्वितीय मुख्य फोकस से, देखो बेटा क्या बताया आपसे, द्वितीय फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है लेंस के उसी ओर। तो लेंस के उसी ओर क्या होता है बेटा, ये अपसारित होती है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास किसमें बेटा, अवतल लेंस में। इसके बाद हमारे पास बेटा सेकंड पॉइंट, ठीक है बेटा, ये कहता है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से प्रथम फोकस F1 की ओर प्रकाश किरणें, ठीक है बेटा, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस से प्रथम फोकस F1 से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। या अगर हम बात करें प्रथम फोकस F1 की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अवतल लेंस में बेटा। अवतल लेंस के लिए कैसे परिभाषित करेंगे, प्रथम फोकस F1 की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस में कैसे परिभाषित करेंगे, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के अपवर्तन के बाद मुख्य
अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए बेटा ध्यान से, यह हमारे पास क्या है, अवतल लेंस बेटा, ये हमारे पास बेटा ओ पॉइंट, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, अब उसने कहा F1, ये हमारे पास F1 से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बेटा, अगर हम किसकी बात करें बेटा, अवतल लेंस की, ये हमारे पास क्या है मुख्य फोकस, सॉरी बेटा मुख्य अक्ष, ये आपका द्वितीय फोकस, ये आपका क्या है बेटा प्रथम फोकस F1, ठीक है बेटा। तो प्रथम फोकस F1 से, इससे बेटा F1 से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके समांतर हो जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट बेटा, लेंस के प्रकाशित केंद्र O से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, ठीक है बेटा। लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, सीधी चली जाती है, ठीक है बेटा। ये आपका उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा गोलीय दर्पणों के लिए, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसा हमने बेटा दर्पणों में निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी की स्थिति पढ़ी थी, ऐसे ही हमारे पास किसके लिए होती है बेटा, गोलीय लेंसों के लिए भी चिन्ह परिपाटी है, ठीक है बेटा। हमारे पास बेटा पहला पॉइंट, लेंसों पर प्रकाश किरणें, लेंसों पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। यही सेम कंडीशन हमारे पास किसमें थी बेटा, यही सेम कंडीशन हमारे पास दर्पण में भी थी कि दर्पणों पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो लेंसों में भी हमारे पास बेटा पहला पॉइंट, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दर्पण में हमारे पास क्या था बेटा, दर्पण में था हमारे पास समस्त दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। लेंस में दूसरा पॉइंट है बेटा, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां कैसी ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, नेगेटिव होती है, माइनस की होती हैं। नंबर पांच पॉइंट, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक। सेम पांचवा पॉइंट दर्पण में भी यही था बेटा हमारे पास में कि प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के, ये आपके पास बेटा मुख्य अक्ष है, इसमें अगर ये आपकी वस्तु है तो ये कैसी, पॉजिटिव। आपका ऐसा कोई प्रतिबिंब बनता है तो इसकी भी दूरी धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ हो बेटा तो ये भी आपके पास माइनस का और ये भी आपके पास माइनस का होगा बेटा, ठीक है बेटा। चलिए हमारे पास बेटा पांच पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। चौथा पॉइंट, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। नंबर पांच पॉइंट, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी बेटा, ऋणात्मक होती है, ठीक है बेटा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास है लेंस सूत्र तथा आवर्धन, ठीक है बेटा। लेंस सूत्र, यदि लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, v हो, ठीक है, तब f u v में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण के लिए होता है बेटा ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या बेटा लेंस सूत्र, यदि f फोकस दूरी का लेंस u दूरी पर रखी वस्तु का v दूरी पर प्रतिबिंब बनाए तब u v f में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और जब हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न करते हैं, तो u v f के मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखे जाते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार लिए जाते हैं, ठीक है बेटा।
इसके बाद बेटा हमारे पास आता है आवर्धन, ठीक है, आवर्धन लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, एम बराबर होता है बेटा आई अपॉन ओ, क्या होता है बेटा आई अपॉन ओ, एम बराबर आई अपॉन ओ। तो आई क्या है बेटा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बेटा ओ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, दोनों का अनुपात है, तो क्या परिभाषा बनेगी बेटा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई आई, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और वस्तु की ऊंचाई क्या ली गई हो बेटा ओ, तो रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई i अपॉन वस्तु की ऊंचाई o, ठीक है बेटा। यदि लेंस की लेंस से वस्तु की दूरी क्या हो स्मॉल u और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो v, तो m बराबर होता है v अपॉन u यानी कि बराबर i अपॉन o, i अपॉन o। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता। अभिसरण, अभिसरण किसमें होता है उत्तल लेंस में, और अपसरण होता है अवतल लेंस में। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। या हम बेटा दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे किससे बेटा पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर होता है एक बटे एफ, और एफ किस में नापा गया हो मीटर में। अगर फोकस दूरी मीटर में नहीं है, किस में हो सेंटीमीटर में, तो 100 बटे एफ। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, क्या होता है बेटा डायोप्टर, या दूसरा मात्रक हम क्या ले सकते हैं बेटा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो क्या बेटा सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो क्या है बेटा, वो है आपका डायोप्टर, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ बेटा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। टॉपिक है बेटा एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। देखो बेटा डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो पी बराबर एक बटे एफ, और एफ किस में हो बेटा मीटर में, तो ये आ गया हमारा किस में डायोप्टर में। हम अगर मान लें हमें यहां बेटा एक बनाना है, तो एक बटे एक का एक बनेगा, हमने मान लिया एफ बराबर क्या है एक मीटर, तो पी बराबर एक बटे एक यानी कि एक डायोप्टर, एक डायोप्टर। तो एक डायोप्टर क्या आगे बेटा, ये लेंस की क्षमता। अब हमें एक डायोप्टर को परिभाषित करना है बेटा, एक डायोप्टर कब बना, जब लेंस की फोकस दूरी कितनी थी एक मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एक मीटर है तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एक मीटर है तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होगी। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंसों के उपयोग। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है बेटा लेंसों के उपयोग में, कि मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष। बेटा आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे दृष्टि दोष के बारे में, लेकिन यहां लेंसों के उपयोग में हमें आपको बताना होगा कि जो मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष होते हैं, जैसे आपका दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इनके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के लेंस का उपयोग किया जाता है। अब वो लेंस हमारे पास में होते हैं उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास लेंसों के उपयोग में क्या बना, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोषों के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल तथा अवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट बेटा हमारे पास में, पहला पॉइंट मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोषों के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के
उत्तल तथा अवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा सेकंड पॉइंट, उत्तल लेंसों का उपयोग हम प्रकाशिक यंत्र जैसे आपके पास सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, फोटो कैमरा है आदि के निर्माण में किया जाता है। सेकंड पॉइंट बेटा, उत्तल लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या फिर हम कह सकते हैं फोटो कैमरा आदि के निर्माण में किया जाता है। जो फोटो कैमरा होता है उसमें भी द्विउत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है बेटा। तो उत्तल लेंसों का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 3, गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो गैलीलियो ने निर्माण किया था दूरदर्शी का, उसमें किसका उपयोग किया गया था बेटा? अवतल लेंस का उपयोग किया गया था। ठीक है बेटा, और अगर जब हम इस दूरदर्शी को यूज करते हैं तो उस पर हम एक लेते हैं समतल दर्पण। ठीक है बेटा, लेकिन यूज किसका करते हैं बेटा? अवतल लेंस का। तो गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा? गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 आता है, जो हमारे पास जैसे घड़ी, तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, या फिर डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान आदि गले में जो उत्पन्न बीमारी है उनका निरीक्षण करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे हैं, ठीक है, उन्हें देखने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जो डॉक्टर हैं वो आंख नाक गले आदि के निरीक्षण में उत्पन्न जो बीमारी है उसका निरीक्षण करने में लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा इसके बाद हम बात करेंगे बेटा लेंसों की पहचान। ठीक है बेटा, लेंसों की पहचान में हम क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट हमारे पास है कैसे हम स्पर्श करके बता सकते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है हम प्रतिबिंब से बता सकते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेंगे हम उससे भी क्या कर सकते हैं? हम उससे अपने लेंसों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कैसे बेटा? जैसे हमारे पास लेंसों की पहचान में सबसे पहले क्या है? स्पर्श करके। कैसा बेटा? स्पर्श करके। अब अगर हम जैसे उसकी बात करें बेटा, अवतल लेंस की या उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमने उत्तल लेंस को परिभाषित कैसे किया था, कैसे पढ़ा था? जो उत्तल लेंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बीच में से होते हैं मोटे और किनारों से होते हैं पतले। तो स्पर्श करके हम बता सकते हैं, यदि कोई लेंस हमारे पास है वो बीच में से मोटा और किनारों से पतला है तो उत्तल लेंस है, और अगर लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा है तो हम बता सकते हैं वो कैसा है बेटा? अवतल लेंस है। कैसा बेटा? अवतल लेंस। अब प्रतिबिंब की हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हमें देखना है बेटा किसे? अक्षरों को, जो मुद्रित अक्षर होते हैं, मुद्रित अक्षरों को देखना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो हमारे पास मुद्रित अक्षर हैं उनके ऊपर रखकर पुनः ऊपर उठाने पर यदि अक्षरों का आकार बढ़ता है, क्या करता है बेटा? यदि अक्षरों का आकार बढ़ता है, अक्षरों का आकार बढ़ने पर क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास होगा बेटा उत्तल लेंस। कैसा होगा बेटा? उत्तल लेंस होगा। आकार छोटा होगा या फिर क्या होगा? आकार समान होगा। आकार कैसा होगा बेटा? समान होगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास है लेंसों की पहचान। लेंसों की पहचान कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट बेटा स्पर्श करके। क्या करके बेटा? स्पर्श करके। जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी बेटा? हमने पढ़ा था कि यदि लेंस बीच में से पतले और किनारों से मोटे हों, बीच से पतले और किनारों से मोटे हों तो वे अवतल लेंस होते हैं बेटा। देखो बेटा, बीच से पतले और किनारों से मोटे तो कौन से लेंस होते हैं बेटा? वो अवतल लेंस होते हैं। ठीक है बेटा, और जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। तो हम स्पर्श करके बता सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। ठीक है बेटा, फिर इसमें हमारे पास पॉइंट आता है बेटा प्रतिबिंब द्वारा। ठीक है बेटा, अब प्रतिबिंब द्वारा कैसे बात करेंगे बेटा? या मतलब प्रतिबिंब द्वारा मतलब प्रतिबिंब को देखकर।
अब जैसे हमें एक तो दे दिया गया कांच की वृत्ताकार पट्टी, कांच की क्या दे रखी हमें वृत्ताकार पट्टी, ठीक है बेटा। एक हमें दे दिया उत्तल लेंस, क्या दिया बेटा उत्तल लेंस, और एक हमें क्या दे दिया बेटा अवतल लेंस। एक हमें उत्तल लेंस दे रखा और एक क्या दे रखा बेटा हमें अवतल लेंस दे रखा बेटा, ठीक है। एक तो हमें दे रखे कांच की वृत्ताकार पट्टी, एक दे रखा उत्तल लेंस और एक दे रखा अवतल लेंस। अब हमें इनकी पहचान करनी है बेटा। तो जैसे हमारे पास में अक्षर है, ठीक है बेटा, किसी किताब पर अक्षर लिखे हुए हैं और हम उन पर लेंस को रखते हैं। अब अगर आपके पास में जब हम उन्हें उठाते हैं, ठीक है, अगर हमें अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो हमारे पास उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार कैसा हो बेटा बढ़ता हुआ दिखाई दे तो हमारे पास कैसा होगा उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार बढ़ता है तो उत्तल लेंस, यदि अक्षरों का आकार कैसा होता है छोटा होता है तो अवतल लेंस, और यदि आकार कैसा रहता है समान तो फिर वो हमारे पास है कांच की वृत्ताकार पट्टी। क्या बेटा कांच की वृत्ताकार पट्टी, ठीक है बेटा। जो मुद्रित अक्षर हैं, जो छपे हुए अक्षर हैं, उन पर हम लेंस को रखकर अगर उसे लेंस को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं और उन अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ जाता है तो हमारे पास वो कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। यदि उठाने के बाद में आकार छोटा होता जाता है तो फिर वो हमारे पास में अवतल लेंस है, और यदि आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आकार समान रहता है तो फिर वो हमारे पास में कांच की वृत्ताकार पट्टी है, ठीक है बेटा। समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए हमारे पास टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आपको नमस्कार।